वेलकम गाइस, ये रहे हमारे पहाड़ी आलू। बात कर लेते हैं आलू के कुछ गुणों के बारे में। आलू में सोडा, पोटाश और विटामिन ए तथा डी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आलू का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व विटामिन सी है। आलू में अगर हरा भाग रह गया हो तो उसे काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सेलेनाइड नामक विषैला पदार्थ होता है। आलू यूरिक एसिड को घोलकर निकालता है। पुरानी कब्ज, यूरिक एसिड से संबंधित रोग, गुर्दों में पथरी, डॉप्सी आदि रोगों के इलाज में आलू पर आधारित चिकित्सा को बहुउपयोगी माना गया है। हमारे आलू 3 सीटी में बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें मैंने लिया है साबुत मिर्ची, साबुत जीरा और नमक। और ये रहा पहाड़ों का सिलबट्टा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये नमक बनके अब तैयार हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं वीडियो के एंड में आया हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पहले के लोग जब खेतों में काम किया करते थे तब वो क्या क्या करते थे खेतों में। और गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं आलू की। आपको पता ही है कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जो सब्जी बनाई जाती है वो आई थिंक आलू की ही होगी। अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ पहले में और अब में क्या अंतर हुआ है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे बगीचा, खाली स्पेस कुछ भी नहीं है यहाँ पर और पूरे खेतों में पेड़ ही पेड़ हैं। तो पहले ये सब नहीं हुआ करते थे, पेड़ नहीं हुआ करते थे पहले खेतों में, तो खाली स्पेस बहुत ज़्यादा रहता था। तो एक ही किसान के पास करीब करीब 50-50 बोरियाँ यहाँ पर आलू हुआ करते थे। तो वो अभी सिमट के करीब करीब 15-20 बोरियाँ ही रह चुकी हैं। इनफैक्ट बोरियाँ नहीं कहेंगे उसे, आजकल कट्टे चल गए हैं छोटे वाले, तो उसी में सिमट के रह चुकी है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर पर जब लोग खेतों में ही जब आलू खोदा करते थे, तो आलू उबाल के
खेत में ही ले आया करते थे और खेत में ही खाया करते थे। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे लोग खेतों में खाया करते थे। सो ये रहा आलू, इसे हम ऐसे ही काटेंगे, इसे चार टुकड़ों में काट लीजिएगा। इसे ये बड़ा सा पत्ता अरबी का है जिसे यहाँ पर पिनालू बोला जाता है। गाइस इस तरह से लोग खाया करते थे पहले। इसके ऊपर इसे लगा के स्पून से थोड़ा टफ हो रहा था नमक को लगाना, इसलिए मैंने हाथों से ही लगा लिया। आप चाहें तो नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अभी आपने देखा कि कैसे पहले के लोग खेतों में जब काम किया करते थे तो पत्तों में रख के खाया करते थे और एक अलग ही फीलिंग आती थी और टेस्ट भी उसका बढ़ जाता था, आई डोंट नो कैसे। और आपने ये देखा कि अभी मैंने आलू में नमक लगाया, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा इसका टेस्ट आता है। तो तीखा है गाइस बट ऑसम, मज़ा आ जाएगा, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। एंड गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।